प्रदेश मुक्ति मोर्चा संगठन परिवार धार मध्य प्रदेश की टीम के द्वारा पृथक भील प्रदेश की मांग को लेकर धार डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन तथा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय एवं गृह मंत्री महोदय से भीली अस्मिता के संरक्षण हेतु पुरखों की अधूरी इच्छा तथा संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य बनाने के प्रावधान अनुसार भील प्रदेश के गठन की मांग की गई है। नारा है एवं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश विधानसभा में भील प्रदेश राज्य का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भिजवाया जाए, जिससे आदिवासियों के एक विशेष राज्य का गठन कर आदिवासियों का संरक्षण किया जाए, इसकी मांग की गई। ज्ञापन देते समय सामाजिक कार्यकर्ता अंकिता अमलिया, जयंती गिनावा, शांता मंडलोई, मुकाम सिंह अलावा, अमृत मेड़ा, महेश डामोर, भारत गामड़, विजय चोपड़ा, सुरेश खराड़ी, राहुल वसुनिया, श्याम वास्केल, महेश चौहान, राजू जमरा, मड़िया बघेल, गोकुल देवड़ा, विजय बारिया, अनिल मंडलोई, ईश्वर कटारा, मोहन मोरी, पंकज बारिया, नारायण सस्तिया तथा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। धार से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। ये आप जो ज्ञापन आज दिया है, क्या है उसका? आज हम भील प्रदेश की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात चार राज्यों में आज एक ही समय पे और एक ही दिन हमने तय किया था कि भील प्रदेश की मांग की जाए, तो हमने आज चार राज्यों में भील प्रदेश की मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय और समस्त अच्छा जी, आपके इसमें कितने संगठन हैं ऐसे? आप हमारे इसमें भील प्रदेश युवा मोर्चा, आदिवासी छात्र संगठन, जयस संगठन, आदिवासी समाज में समस्त संगठन मिलकर आज एक जगह आए हैं। अच्छा, ये जैसे किन किन प्रदेशों की मांग की है आपने ये अलग प्रदेश बनाने? मध्य प्रदेश में 7-8 जिले मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, चार राज्यों में मिलाकर हमारे कुछ जिले आ रहे हैं, वो सभी जिले मिलाकर हम एक भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन की और भी अग्रसर होंगे। ठीक।